नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज का जो टॉपिक है वो है तारा सिद्धांत के आधार पर हम किस तरह निकालते हैं गोचर का फल। इस महीने का फल जो आएगा आपकी राशि के लिए उसको हम तारा सिद्धांत के आधार पर कैसे देखें। राशि के आधार पर, लग्न के आधार पर जो हम देखते हैं वो तो देखेंगे ही, इसके अलावा तारा नक्षत्र हमारा जो भारतीय ज्योतिष है उसका जो मूल बेसिक जो है, जो रूट्स हैं वो नक्षत्र ही हैं, तो उनके आधार पर कैसे निकाला जाता है। वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने अपनी जो वीडियो है उन पे कमेंट आया था, तो उसमें कुछ था ऐसा कि भाई ये जो राशि है वो तो ठीक है पर कुछ लोग बहुत अच्छा बताते हैं, नक्षत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भले ही कुछ लोग हों, क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि के अकॉर्डिंग, लग्न के अकॉर्डिंग ही फेमस जो हुआ है देखते हैं, पर ये भी बहुत सही, एक्यूरेट और एक ऐसी तकनीक है जो हमको देखनी ही चाहिए। तो जिनको ज्योतिष पसंद है उनके लिए ये कार्यक्रम है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उनके लिए कि भाई 5 साल में, अगले 5 महीनों में कौन सी 5 राशियाँ करोड़पति हो सकती हैं या इस तरह का, क्योंकि अगर आप नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो एक राशि में भी जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2.5 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और 1 आधा अधूरा जो होता है, उसमें भी अंतर आएगा। जैसे कि अगर मेष राशि है तो उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो 3 नक्षत्र के व्यक्तियों के लिए जो शनि का गोचर होगा या गुरु का गोचर होगा एक सा नहीं होगा, अलग अलग होगा। इसी तरह से आप कोई भी राशि ले लें, अब जैसे वृषभ ले लें तो उसमें कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 3 नक्षत्र हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग रिजल्ट आएगा। तो उसको कैसे देखते हैं हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। उसके बाद आपके राशि पर, आपके जो नक्षत्र हैं उनके अकॉर्डिंग सारे जो ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका क्या हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है उसके बारे में बात होगी। तो पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रह और नक्षत्र के बारे में, अंतर क्या है। तो ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, हमको ऐसा महसूस होता है कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो मूविंग बॉडी हैं, चलती रहती हैं। और नक्षत्र जो हैं, जो आकाश में जो दूर तारे हैं, जो तारामंडल है, उसकी जो सिचुएशन है वो फिक्स रहती है। तो ये जो ग्रह हैं वो इन नक्षत्रों के थ्रू ही घूमते हैं, एक तरह का कह सकते हैं कि ग्रह यात्री हैं। जैसे हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं यात्रा के रूप में और फिर यहाँ से चले जाएंगे, ये हमारा मूल जगह नहीं है, हमारा जो मूल जगह है वो ईश्वर में मिल जाना ही है। तो ये ग्रह भी जो हैं इस तरह से यात्री हैं, आकाश में घूमते रहते हैं और इनका जो कार्य है वो सभी को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग फल देने का है। तो देते कैसे हैं अपना असर, ये असर देते हैं किस नक्षत्र में है। जन्म के समय जो ग्रह जिस नक्षत्र में होगा वो उस नक्षत्र के, उस राशि के गुणों को ग्रहण कर लेता है, फिर अपने अकॉर्डिंग देता है। शनि अपने अकॉर्डिंग देंगे, गुरु अपने अकॉर्डिंग देंगे, पर देंगे किसको, नक्षत्रों के थ्रू। तो नक्षत्रों का रोल बहुत है, बहुत विशेष है और पुराने जमाने में नक्षत्रों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता था रिजल्ट, जो कि आजकल राशि और भाव पर है, पर पहले नक्षत्र के अकॉर्डिंग ज़्यादा देखते थे। तो चलिए बात करते हैं इन 27 नक्षत्रों की, कुछ लोग 28 भी हैं बोलते हैं, उसमें अभिजीत को शामिल करते हैं, हम यहाँ 27 लेके चल रहे हैं। तो 27 नक्षत्र हैं हमारे और हर एक ग्रह को 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है, 3 नक्षत्रों से जोड़ा गया है और अलग अलग महादशा में नक्षत्र बदल जाते हैं, पर विष्णोत्तरी महादशा सर्वमान है, 120 साल की है और सभी के लिए लागू होती है। तो इस महादशा में जिन नक्षत्रों से जिस ग्रह को जोड़ा गया उसका एक विशेष महत्व है। जैसे कि सूर्य हैं तो उनके 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, 3 नक्षत्र हैं उनके। चंद्रमा है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्ता, श्रवणा। मंगल है, उनके भी 3 नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। इसी तरह से आपके राहु के भी 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति, सत्विशा। तो हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं। राहु के पास गुरु के भी 3 नक्षत्र हैं, आपका पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपदा। गुरु के बाद आपके जो शनि हैं उनके भी 3 नक्षत्र हैं, पुष्या, अनुराधा और उत्तराभाद्रपदा।
उत्तरा भाद्रपद, और शनि के बाद जो बुध हैं उनके भी तीन नक्षत्र हैं। अश्लेषा, सबसे पहला अश्लेषा आता है, उसके बाद आपका ज्येष्ठा, और सबसे अंत में रेवती, सबसे आखिरी नक्षत्र है अगर हम अश्वनी से शुरू करते हैं तो। और बुध के बाद आपके केतु, केतु के भी तीन नक्षत्र हैं, अश्वनी, माघा, मूला। मूला सबसे ज़्यादा कार्मिक नक्षत्र माना जाता है। और केतु के बाद शुक्र, शुक्र के भी तीन नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़। अब यहाँ पर है कि कुछ लोग अश्वनी से शुरू करते हैं, बहुत लोग अश्वनी से शुरू करते हैं, कहीं पर कृतिका से भी शुरू करते हैं, कृतिका से। कारण है उसका, कृतिका से पहले जो भरणी है वो यम, मृत्यु का है, तो मृत्यु के बाद जन्म, इस तरह से जोड़ा जाता है। फिर सूर्य जो है वो सभी ग्रहों के राजा हैं और सर्वमान्य, ये मत है कि हम सबकी आत्मा है और सबके कंट्रोलर भी हैं, इसी वजह से सूर्य से भी कुछ लोग शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सूर्यदेव के हिसाब से इसको शुरू लिख किया है, सूर्य से। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़, आप इसको अश्वनी से भी कर सकते हैं, अश्वनी, माघा, मूला, ये सभी दोनों ही बातें सही हैं। एक बात दूसरे का विरोध नहीं करती है ज्योतिष में, दोनों ही बातें होती हैं। यहाँ पर ही थोड़ा संशय आता है, इसी वजह से ये जो विषय है थोड़ा सा समझने में शुरुआत में मुश्किल होती है कि मनुष्य की बुद्धि यह कहती है कि अगर रोशनी है तो वहाँ अंधेरा कैसा, पर भगवत गीता कहती है कि रोशनी भी मैं ही, अंधकार भी मैं ही हूँ, निर्वाण भी मैं ही हूँ, विनाश भी मैं ही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे बिना है। मैं शब्दों से परों हूँ, मैं अंकों से परे हूँ। मतलब कि ना तो शब्दों में उसको समझा जा सकता है, ना कि अंकों में। ये कह देना एक हूँ तो भी गलत, ये कह देना कि अनंत हूँ तो भी गलत। तो इस तरह से कुछ ज्योतिष भी है कि दोनों ही बातें सही होती हैं, इसी तरह से वो समझ में भी आने लगता है, कविता की तरह। तो अब बात करते हैं, अभी तो हमें पता लग गया कि भाई सूर्य के तीन नक्षत्र, चंद्र के तीन नक्षत्र, मंगल के तीन नक्षत्र, इस तरह से नौ ग्रहों के तीन तीन नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र, और एक नक्षत्र में चार पद, तो 27 में अगर चार का गुणा कर दे तो 108 पद, इसी वजह से 108 जो नंबर है उसका इतना महत्व है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपकी राशि के लिए नहीं, ओवरऑल कैसे देखते हैं। जैसे कि आजकल जो शनि है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका होगा, सूर्य का होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि कैसे करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, किस तरह से देखा जाता है, उसके बाद फिर आपकी राशि पर हर ग्रह के बारे में बात होगी। जैसे कि सूर्य कि नक्षत्र में आजकल शनि महाराज चल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा में चल रहे हैं, काफी टाइम तक चलेंगे, और आपको देखना है कि भाई आपका शनि का गोचर कैसा जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे ग्रहों के गोचर भी देख सकते हैं, अगर आपने सारे ग्रहों के गोचर देखे और उसमें अगर आपके शनि, गुरु, राहु इन तीन का अच्छा है तो मतलब अच्छा है, ये तीन ही मेन होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर ये बुरे हैं, बाकी अच्छे भी हैं, तो कुछ खास कह नहीं सकते। इसके अलावा आप राशि से देखें, लग्न से देखें, और दशा महादशा भी देखें। गोचर जो है वो दशा महादशा के अधीन होता है, और अष्टक वर्गा जरूर देखें। अष्टक वर्गा वो जादुई चीज है जो बताती है कि ये ग्रह सिर्फ लग्न से नहीं, चंद्र से नहीं, हर ग्रह से कहाँ बैठा है, उसका निचोड़ होता है उसमें। तो अगर अष्टक वर्गा में अच्छे पॉइंट्स में ग्रह दिखा रहा है, चाहे वो नीच की राशि में हो, वो आपको अच्छा फल देगा ही देगा। तो अब चलो इसको देखते हैं, नक्षत्र सिद्धांत को थोड़ा समझ लेते हैं। अब सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तो जिसके नक्षत्र में है उसको हम मानते हैं पहला तारा, और हमारे नौ तारे हैं। तो समझने से पहले हमको नौ तारों का पता होना चाहिए, नौ तारों का हमको पता होना चाहिए। ये नौ तारे हैं हमारे, पहले तारे को जन्म तारा, संपत, विपत, क्षेमा, प्रत्यक, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, मतलब कि नौ तारे आ गए आपके। पहला तारा जन्म तारा, दूसरा तारा संपत तारा, तीसरा तारा विपत तारा, चौथा तारा क्षेमा तारा, पांचवा तारा प्रत्यारित तारा, छठा तारा साधक या साधना, सातवां तारा बाधक या निधन,
आठवां तारा मित्र तारा और नौवां तारा परम मित्र तारा। मतलब तारा अगर नौ नंबर का तारा आता है तो परम मित्र है, शत्रु भी मित्र बन जाएंगे, मतलब दोस्तों का साथ मिलेगा, लोगों का साथ मिलेगा। इसी तरह से अगर सातवां तारा जो बाधक है, निधन है, तो ऐसा नहीं है कोई मर जाएगा, मृत्यु हो भी सकती है, पर यह सिर्फ यही है कि ऑब्स्टेकल आएंगे, चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी उस नक्षत्र के लिए। अगर आपका तारा आ रहा है संपत्त तो धन आएगा, विपत्ति आ रहा है तो विपत्ति आ सकती है, कोई अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद न की हो। कल्याण का तारा है तो ज्ञान आएगा, पैसा का इतना नहीं है पर ज्ञान आएगा, खुशी रहेगी घर में, कुछ अच्छी बात हो सकती है। प्रत्यारी में आप अपने आप को बंधा पाएंगे किसी चीजों, कुछ करना चाहेंगे पर हो नहीं पाएगा। साधक में सक्सेस आएगी, कोई फुलफिलमेंट होगा। तो इस तरह से हर तारे का एक रोल है। तो हमको नौ तारे पता लग गए कि ये नौ तारे होते हैं, हर एक तारे का हमको अर्थ भी पता लग गया। अब वीडियो को पॉज करके लिख, जिसको नहीं आता लिख के उनके नाम याद कर सकते हैं, नौ ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो अब हमको देखना है शनि के बारे में। तो शनि है सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा, सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। तो ये जो क्रम है ये भी हमें याद होना चाहिए, ये जो क्रम है सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र, इसी क्रम में महादशाएं होती हैं। कुछ लोग इसको केतु से देखते हैं, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, बुध पे खत्म करते हैं। मैंने यहाँ सूर्य से किया है, सूर्य देव को प्रथम मानते हुए उनको ज्यादा महत्व देते हुए सूर्य से शुरू किया है। तो अब देखा हमने कि भाई सूर्य के तारे में शनि है, तो सूर्य को मान लेंगे जन्म तारा। इसके बाद देखेंगे कि हमारे जन्म का तारा कौन सा है। अब जैसे किसी का जन्म हुआ है कृतिका नक्षत्र में, तो उसका तारा और शनि का तारा एक हो गया, वही हो गया, सूर्य का तारा ही हो गया। तो इसका मतलब हुआ जन्म तारा आ गया उसका, क्या आ गया उसका, जन्म तारा आ गया, एक ही आ गया ना। तो जन्म तारा आ गया तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जन्म तारा ना तो ज़्यादा बुरा है ना ही अच्छा है, पर चूंकि शनि जो सूर्य के शत्रु हैं तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। अब किसी का तारा जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, आपका पुष्या में जन्म हुआ है, किसी का पुष्या में जन्म हुआ है, तो पुष्या तो आपका शनि है, तो अब शनि से सूर्य तक गिनना है हमें, तो पीछे नहीं जाएंगे, ऐसे गिनेंगे जैसे शनि से गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांचवा तारा आ गया। तो पांचवा तारा क्या था हमने गिने थे, देखिए पहला जन्म तारा, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत्त, चौथा छेमा, पांचवा प्रत्यक, प्रत्यक आ गया आपका। प्रत्यक का क्या मतलब होता है कि चीजें आसानी से नहीं होंगी, आप बंधन फील करेंगे, आप करना तो चाहेंगे पूरा हो नहीं पाएगा, ये सब चीजें आ गई। तो अगर किसी का पुष्या में जन्म हुआ है तो कर्क राशि में अगर पुष्या में जन्म हुआ है तो उसके लिए ऐसा रिजल्ट आएगा। अब दूसरा कोई ले लें, अब जैसे किसी का हुआ है आपका आर्द्रा में, नहीं अच्छा लेते हैं कोई यार, किसी का हुआ है अश्लेषा में हुआ है जन्म, अश्लेषा बुध के जो नक्षत्र हैं, तो अश्लेषा तो बुध से गिनेंगे सूर्य तक, बुध केतु शुक्र सूर्य, चौथा नंबर आ गया, चौथा तारा आ गया। तो कौन सा है चौथा तारा, पहला तारा जन्म तारा, संपत विपत क्षेमा कल्याण, तो कल्याण होगा उसका, कल्याण होगा, अच्छी चीजें होंगी, कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई कार्य लग सकता है, कोई काम जो शुरू हुआ है उसमें थोड़ा लाभ होगा। तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा ये, और आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप फॉलो भी कर सकते हैं। और इसके साथ इसके बाद हम आपकी राशि के बारे में बात करेंगे कि आपकी राशि, ये आपके तीन नक्षत्र हैं, तो इनमें से किस में आपका जन्म हुआ है, तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा मई के महीने में, कौन कौन से ग्रह किस किस तारे में पड़ते हैं। चलिए बात करते हैं अब आपकी कुंडली के बारे में। कर्क राशि, कर्क राशि में हमारे तीन नक्षत्र हैं पुनर्वसु, पुष्या और अश्लेषा। पुनर्वसु जो है वो मिथुन में भी है और कर्क में भी है, दोनों में ही है ये। गुरु का नक्षत्र है, पुष्या शनि का, और अश्लेषा बुध का नक्षत्र है।
तो हम देखेंगे कि भाई पुष्या जो नक्षत्र है वो भी कर्क वाले हैं, अश्लेषा भी जो है वो भी कर्क वाले हैं, और पुनर्वसु वो भी कर्क वाले हैं, तो सबके लिए कैसा रहेगा ये महीना। कर्क वाले ही तीनों के लिए अलग अलग रहेगा थोड़ा थोड़ा, किसके आधार पर, नक्षत्र, नक्षत्रों के आधार पर, तारा सिद्धांत के आधार पर जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है उन्हीं की देन है, और पुराने समय में इसको और भी ज़्यादा यूज किया जाता था। एक्चुअली जिस तरह 12 राशियों का प्रयोग होता है उस तरह उस समय में 27 नक्षत्रों का प्रयोग हुआ करता था ज़्यादा। तो अगर आपका पुष्य नक्षत्र है तो सूर्य आपके लिए, सूर्य मृगशिरा में रहेंगे, बाधक तारे में हैं, बाधक बंधन, तो बॉस से जो बॉस होता है, फैमिली में आपने जो फैमिली के जो लोग हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बंधन महसूस करेंगे, कुछ ऐसा होगा आप कुछ करना चाहते हैं तो फैमिली वाले उसका विरोध करेंगे या उसके अगेंस्ट रहेंगे। फैमिली वाले किस लिए, क्योंकि सूर्य आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी हो जाते हैं, दूसरा भाव धन का है फैमिली का, तो धन के खर्च में कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आपकी पत्नी या माता कहेंगे भाई मत खरीदो, तो एक तरह का बंधन इस फील्ड में दिखाई देगा। इसके अलावा बॉस से, पिताजी से, पिताजी जैसे लोगों से, मतलब कि आपसे जो बड़े लोग हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहने का, मतलब कि उनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, कोई बात होती है तो प्यार से समझाना है, इस तरह का रहेगा। अगर आपका नक्षत्र अश्लेषा है तो वो आता है साधक तारे में, साधक तारे में आता है, तो साधक का मतलब है कार्य सिद्ध होंगे, आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें क्योंकि अच्छे जो समय है उसका और फायदा उठाएं, इससे और ज़्यादा आपको तरक्की मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए समय अच्छा है, यहाँ तक कि सूर्य का ताल्लुक है और सूर्य आपके लिए धन को दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से धन आएगा, पैसा आएगा, और धन पैसा आएगा तो उसका मतलब कार्य भी कहीं ना कहीं अच्छा चलेगा, तभी धन पैसा भी आएगा, तो एक तरह से अश्लेषा वालों के लिए अच्छा है और पुनर्वसु वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग बिजनेस में उनके लिए खासकर अच्छा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट डीलर हैं, जिनका दूसरे व्यक्तियों से काम है, व्यक्तियों के थ्रू काम है, संपर्कों के थ्रू काम है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये सूर्य का, जहाँ तक कि सूर्य का सवाल है, धन का सवाल है, पैसे का सवाल है उसके लिए। अब ये कैसे आया ये हमने पहले बता दिया है, फिर चाहे तो शॉर्ट में एक बार देख सकते हैं कि जैसे कि ये पुष्या जो नक्षत्र है वो शनि का नक्षत्र है, हमें देखना है सूर्य किस तारे में है। सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में है, तो मृगशिरा नक्षत्र तो मंगल का है और आपका नक्षत्र शनि का है, तो आप शनि से मंगल तक गिनेंगे, शनि से मंगल तक गिनेंगे, तो शनि के बाद, शनि के बाद शनि, एक बुध, दो केतु, तीन शुक्र, चार सूर्य, पांच चंद्र, छह मंगल, सात, तो इस तरह से सात मतारा आ गया। ठीक इस तरह से यहाँ पर बुध से मंगल तक गिनेंगे, तो बुध एक, केतु दो, शुक्र तीन, सूर्य चार, चंद्र पांच और मंगल छह, तो ये साधक तारा आ गया। ठीक इस तरह से यहाँ पर गुरु से मंगल तक गिनेंगे, तो गुरु एक, शनि दो, बुध तीन, केतु चार, शुक्र पांच, सूर्य छह, चंद्रमा सात, मंगल आठ, तो इस तरह से मित्र तारा आ गया। इस तरह से हम काउंट करते हैं, नीचे भी इसी तरह से मैंने काउंट किया है, आप भी कर सकते हैं, यही जो सही तरीका है यही हमारे क्लासिक्स में लिखा है। अब देख लेते हैं मंगल के लिए, अब इसे आपको देखना है पुष्य नक्षत्र वालों के लिए मंगल आ रहा है परम मित्र में, तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब देखिए मंगल आपके लिए कैरियर का स्वामी है, तो पोस्ट उन्नति में, कैरियर में आपके अंदर एनर्जी रहेगी, वो सब चीज़ें रहेंगी क्योंकि मंगल आपको सपोर्ट कर रहा है। हालांकि सूर्य बाधक है, तो बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो हो सकता है आपको कुछ गलत समझें, पर आपके अंदर कार्य करने की जो एनर्जी है वो मंगल दिखाता, इच्छा शक्ति जो है आपके अंदर वो रहेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। अश्लेषा वाला को देखें तो उनका मित्र है, तो उनके अंदर बॉस से फेवर भी मिलेगा और उनकी जो इच्छा शक्ति है वो भी उनके साथ रहेगी, तो थोड़ा सा डबल पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से पुनर्वसु का ठीक ठीक है, मीडियम रहेगा, जितना ट्राई करेंगे उतना रिजल्ट मिल पाएगा, क्योंकि मंगल हमारी कोशिशें भी हैं, हमारी इच्छा भी है, डिज़ायर भी है, उस चीज़ को दिखाता है।
आपके केस में मंगल पंचम को भी दिखाते हैं, तो बुद्धि को भी दिखाते हैं, इंटेलिजेंस को भी दिखाते हैं, क्रिएटिविटी को भी दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप राशि चार्ट सामने रखिए और तारा रखिए, दोनों को मिलाइए तो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो फिर आप भी चाहें तो मंगल की दृष्टियाँ शामिल कर सकते हैं। अब मंगल कहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि मंगल नवम स्थान में आ जाएंगे उत्तरा भाद्रपदा में, तो नवम स्थान में राशि के हिसाब से तो गोचर अच्छा नहीं है, पर किसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर मंगल को देखा जाए तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं जिनका पुनर्वसु है उनके लिए ना अच्छा वाला रिजल्ट उनके लिए ज़्यादा जाएगा। बाकी आपका जो ये हुए पुष्या और अश्लेषा उनके लिए फिर भी ठीक ही रहेगा। यहाँ से मंगल जो है आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, बारहवें भाव को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना खर्च करना है कितना नहीं करना है, थोड़ा बहुत खर्चा ला सकते हैं क्योंकि उसका भी अपना एक महत्व है अचानक से। और मंगल की जो दृष्टि बुध के ऊपर रहेगी, राहु के ऊपर रहेगी, तो भाई बहनों के साथ थोड़ी सी कह सकते हैं आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अग्रेसिव रह सकता है, वो सब चीज़ें रह सकती हैं। और मंगल यहाँ से चतुर्थ माता के स्थान को देखेंगे तो माता के स्वास्थ्य की थोड़ा सा देखना है कैसा स्वास्थ्य रहेगा उनका, और पिता के लिए भी थोड़ा सा क्योंकि नवम भाव में है और दसम भाव का स्वामी नवम में आ रहा है तो कार्य के लिए उस हिसाब से। तो ये सारी बातें जो हैं ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी पुनर्वसु के लिए, अश्लेषा और पुष्या के लिए इतना वो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके निकाल लेंगे। अब जैसे राहु को देखना है तो पुष्या वालों के लिए राहु बाधक में आ रहा है, अश्लेषा वालों के लिए साधक में और पुनर्वसु के लिए मित्र में। तो राहु का जो ज़्यादा बड़ा इफेक्ट है जैसे खर्चा है कम्युनिकेशन का है, क्योंकि राहु बारे में घर में आ रहे हैं अचानक से जो खर्चा वगैरह ये सब चीज़ें आ रही हैं वो आएगा किसके लिए, पुष्या वालों के लिए, पुष्या वालों के लिए। और अश्लेषा और पुनर्वसु के लिए राहु अच्छे नक्षत्र में, साधक में और मित्र में, मित्र तारे में है, तो उनके लिए इतना इफेक्ट नहीं होगा। जो राहु की जो पंचम दृष्टि आ रही है जैसे कि वो आ रही है आपके माता के भाव पर, अमंगल की भी दृष्टि आ रही थी, ये दोनों ही चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करेंगी पुनर्वसु वालों को और पुष्या वालों को थोड़ा थोड़ा। और अश्लेषा के केस में नहीं होगा ऐसा क्योंकि ना तो मंगल और राहु दोनों ही उनके ठीक आ रहे हैं, दोनों ही ठीक आ रहे हैं, तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गुरु और शनि की, क्योंकि एक ही नक्षत्र में है तो एक से ही तारे आएंगे उनके, तो पुष्या के लिए पृथक, अश्लेषा के लिए मित्र और पुनर्वसु के लिए साधक। तो गुरु और शनि अश्लेषा वालों के लिए और पुनर्वसु वालों के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा समय है उनके लिए, उनके जो मीनिंग है जैसे गुरु का जो है नॉलेज, यात्राएं करना, धर्म, फिलोसॉफी, लॉ, ये सब चीज़ें, ज्ञान, टूरिज्म, ज्ञान प्राप्त करना, गुरु, विद्या, स्टूडेंट्स हैं तो उस चीज़ों में अगर आपका अश्लेषा है पुनर्वसु है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि किन ग्रहों के स्वामी, किन घरों के स्वामी हैं आपके लिए, तो छठा घर और नौवें घर के जो कार्यकर्ता हैं उनमें अच्छा ही लाएंगे अश्लेषा के लिए, पुनर्वसु के लिए। फिर आप गुरु की दृष्टियों को भी शामिल कर लेंगे, जैसे गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, ग्यारहवें भाव पे पड़ रही है और तीसरे भाव पे पड़ रही है, तो यही गुरु की दृष्टि अश्लेषा और पुनर्वसु के लिए ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देगी और जो पुष्या है उनके लिए थोड़ा सा प्रत्यक है, प्रत्यारी है, कुछ डिफिकल्टी, कुछ ऑब्स्टिकल, कुछ ना कुछ ऐसा कि उतने आसानी से चीज़ें नहीं होंगी, ये सब उसमें रहेगा। किसकी वजह से? तारा की वजह से, एक ही राशि में तारा सिद्धांत की वजह से, जो राशि का मूल है, जिस पे जो बेसिक है हिंदू एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, उसकी वजह से। अब इसके बाद अगर बुध को देखें तो वो राहु के नक्षत्र में है, पुष्या के लिए मित्र में, अश्लेषा के लिए बाधक में और पुनर्वसु के लिए मित्र में। तो जो बुध से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो अच्छी रहेंगी पुष्या के लिए, अश्लेषा के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेंगी और जो है पुनर्वसु उनके लिए भी है। तो जो अश्लेषा वाले उनको वाणी का ज़्यादा ध्यान रखना है, वाणी का खास ख्याल रखना है, और जो कम्युनिकेशन है, जो अपनी बहन है, मौसी है, उनसे संबंधों में थोड़ा सा, क्योंकि बुध उसको डिनोट करते हैं, और जो मित्र वगैरह हैं उनसे। अब पुष्या को देखा जाए तो उनको अपने गुरु से, टीचर से, बूढ़े लोगों से, कमज़ोर लोगों से, जो शनि को डिनोट करते हैं ऐसी चीज़ों में ज़्यादा सावधान रहना है।
इस चीज़ करके काम में भी हैं तो ज़्यादा सावधान दे रहे हैं, जैसे किसी का स्टील का बिजनेस है, कोयले की खान काम है, पेट्रोल का काम है, तो उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि शनि और गुरु का थोड़ा सा है। अगर अश्लेषा वाला है और उसका मरकरी का काम है, मतलब कि सेल्समैन है, एस्ट्रोलॉजर भी है, अकाउंटिंग का जो काम है, अकाउंटेंट है, जहाँ पे काउंट करना होता है, बनाना, लैंग्वेजिस्ट हैं जो अनुवाद करते हैं, वो हैं, इस तरह का काम है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा काम का। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रेडिक्शन किए जा सकते हैं। और फिर इसकी दृष्टि भी शामिल की जा सकती है, बुध की दृष्टि छठे भाव पर आ रही है, तो अश्लेषा वालों का सेहत का ख्याल रखना है, नींद, उनको थोड़ी नींद में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बुध जो है फिलहाल राहु के साथ हैं और बारहवें भाव में हैं, तो नींद के लिए, और ये जो घर है ये सैया सुख का बैड प्लेजर, शादी के बाद का जो सुख होता है उसका भी है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए, तो उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, या तो काम में आप इतनी बिजी हो जाएंगे, ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि सूर्य अच्छे जा रहे हैं आपके और मंगल भी अच्छे जा रहे हैं, तो अब सब चीज़ें तो मिलेंगी नहीं, अगर आप काम में ज़्यादा बिजी हो जाएंगे उसमें, तो ये थोड़ा सा जो पारिवारिक सुख है उसमें तो कमी आ ही जाएगी, ये जाहिर सी बात है और ये होता ही है, जितने भी जब लोग ज़्यादा बिजी होते हैं काम में तो उनकी वो प्राय पारिवारिक जो लाइफ है वो सफ़र करती है, क्योंकि समय तो निश्चित है ना। इसके बाद अगर हम केतु को देखते हैं तो वो मूला नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में है, तो शनि का जो नक्षत्र है पुष्य है उससे विपत में, जो बुध का नक्षत्र है अश्लेषा उससे संपत में, और जो गुरु का नक्षत्र है पुनर्वसु उससे क्षेमा में। इसका मत इससे यह आया कि आपका बुध के नक्षत्र अश्लेषा से अच्छे हैं, गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु से अच्छे हैं, और शनि के नक्षत्र पुष्या से विपत में है, थोड़ा प्रॉब्लम में है। इसके बाद अगर हम शुक्र को देखें जो रोहिणी के नक्षत्र में है चंद्रमा के, उनके लिए पुष्या से अच्छे हैं साधक हैं, अश्लेषा से प्रॉब्लम में है प्रत्यक हैं, पुनर्वसु से भी अच्छे हैं। तो देखिए कार्य में कार्य के लिए पुष्या का उतना अच्छा नहीं आ रहा है, एनर्जी रहेगी, बाहर के लोगों से थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है राहु, नींद में भी थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है राहु वहाँ पर है, गुरुओं से बड़ों से फिलोसॉफी में ज्ञान में दिक्कत रहेगी, थोड़ा वेल्थ के लिए भी थोड़ी दिक्कत रह सकती है, पर वाणी उनकी अच्छी रहेगी। और शुक्र मतलब कि स्त्रियों से, बहनों से, लड़कियों से पारिवारिक सुख जो होता है, काम सुख जो होता है, स्त्री पुरुष का जो सुख होता है, अगर सिंगल हैं तो किससे मुलाकात होने का जो सुख होता है, किसी रिश्ते की शुरुआत होने का जो सुख होता है, उसमें पुष्य वाले आगे निकल जाएंगे, तो किसी के लिए कुछ किसी के लिए कुछ, और ऐसा ही रियलिटी में होता है, सारा सब चीज़ें तो सबको मिलती नहीं है, ना लाइफ में, ना साल में, ना महीने में। तो ये लेकर आया है हमारा तारा सिद्धांत कर्क राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, उसमें कोई कमी भी हो, कुछ गलती से कहीं कुछ गलत लिख गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, और मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, तो आपको पसंद हो तो आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।